सनरूफ आएगा सर। सनरूफ भी आपको एक बार दिखा देते हैं, ये देखो। बहुत स्पेस है मतलब सनरूफ में भी, साथ में आपका ये आपका जैसे कि हम सनग्लास होल्डर हो गया। और आज के टाइम में एक क्वेश्चन बहुत मेन है कि कार में एयर बैग्स कितने आ रहे हैं, सेफ्टी रेटिंग्स क्या है? तो 6 एयर बैग आ रहे हैं सर। ठीक है, 6 एयर बैग सेफ्टी फीचर है इसमें। हाँ, तो ये पेट्रोल के हो गए आपके सर। ठीक है भैया, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस व्लॉग में हम i20 के बारे में बात करेंगे। ये ओनली वेरिएंट है i20 का। तो पहले तो मैं आपको हर एक वेरिएंट की थोड़ी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो उसमें हमें इसमें 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें 1.2 लीटर कापा पेट्रोल, 1 लीटर टर्बो GDI और 1.5 लीटर UT डीजल है। तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट मतलब इतने CC का हमें इंजन मिलता है इन सब में। आप ऐसे पूरा एक बार मेंशन करके देख सकते हो। तो कुछ ये है, आप इसको एक बार पोज करके अच्छे से पढ़ लेना। बाकी एक बार मैं भी आपको डिस्कस करके अच्छे से बताता हूँ कि इसमें हमें 3 मतलब CC के ऑप्शंस मिलते हैं इंजन के। पहला है 1197 CC, सेकेंड है 998 CC और थर्ड है 1493 CC का। तो इतनी मैक्सिमम पावर ये जनरेट करते हैं और मिनिमम पावर जनरेट करते हैं और इतना इनमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो जो हमें 1.2 लीटर वाला मिलता है उसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। जो 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल है उसमें 7 लीटर ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन वाला हमें गियर बॉक्स मिलता है और इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। और ये इसमें सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है, जिसके आप देख सकते हैं। और इसमें हमें फ्रंट और बैक दोनों डिस्क ब्रेक्स ही मिलती हैं। और ये टायर साइज़ भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके वेरिएंट के हिसाब से लिखा हुआ है। तो थोड़ा पोज करके आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी अभी ये हमारे सामने ऐसा ऑप्शनल है i20 का। तो अभी थोड़ा हम स्पेसिफिकेशन बताएंगे यहाँ पे भैया। तो बताना भैया कौन कौन से फीचर्स हैं इसमें फ्रंट में। मॉडल की बात करूँ तो इसमें आपका आस्था ऑप्शन में प्रोजेक्टर की लाइट मिलने आएंगे आपको। ठीक है भैया, 11 लोग फ्रंट से जो ठीक है। प्रोजेक्टर की इसमें आपकी लाइट आती है, बोगी चीज़ें जैसे वर्क करते हैं। ठीक है, साथ में इसमें एयर कर्टन भी आते हैं, जैसे आपके टायर होते प्रेशर के हिसाब से जो हवा क्रॉस होते हैं तो आपका। अच्छा, इसमें से क्रॉस होती है क्या जी? इसमें से क्रॉस होती है जी। ठीक है, एरोडायनेमिक के हिसाब से बनाई होगी ना। तो अब ये आपको गाड़ी की जो एरोडायनेमिक से वजह से कि हम हवा को चीरते जिससे माइलेज को इंप्रूव करते गाड़ी। फिर साइड में आपको मिलते हैं, आपको अलॉय व्हील्स हैं 16 इंच के। कितने इंच के हैं? 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं इसमें। ठीक है, साइड में आपको वार में पे इंडिकेटर मिलते हैं। इंडिकेटर जैसे अपने साइड वाले और उसको गाड़ी को पता लगता है कि गाड़ी टर्न ले रही है। लॉन्गर व्हील बेस आएगा सर इसके अंदर। ठीक है भैया, अपनी लैग रूम और हेड रूम कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट सेगमेंट में चीज़ आई है कि यहाँ आपको पुश करोगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका। अगर कार ओपन होगी तो आपको पहले अंदर से खोलना पड़ता है। तो आप यहाँ से पुश करोगे तो लॉक भी नहीं से होगा, तो पुश करो ये ओपन भी नहीं से होगा। ठीक है भैया, ये फर्स्ट सेगमेंट आप। ठीक है भैया, रियर की बात करूँ तो मैं आपको रियर डिफोकर मिलता है, जैसे फोगी सीजन में हम धूल वगैरह जम जाते हैं तो उसको साफ करते हैं। और साथ में आपका ये वाइपर्स होंगे। ठीक है, वुड स्पेस की बात करूँ तो मैं इसमें सर आपका 350 का बहुत आपका फ्लू टैंक मिलता है। और साथ में आपको इसमें बोस के स्पीकर आए हुए हैं, पीछे भी आपका एक बोस का स्पीकर, इसमें 5 आते हैं सर, 5 स्पीकर जी बोस के। और यहाँ पे हमें लाइट भी मिलती है, फूट लैंप्स भी हैं। और स्पेयर व्हील भी मिलता है इसमें, कितने इंच का? वो एक ये आगे 15 इंच का। ये 15 इंच का जी। तो इसमें हमें एक स्पेयर व्हील मिलता है और इसमें अलॉय नहीं है ना? नहीं, इसमें अलॉय नहीं आते। ठीक है, मॉडल में नहीं आते आपके यहाँ किसी भी कंपनी में। ठीक है, ठीक है। और रियर की बैक कैमरा और सेंसर होंगे आपका। हाँ, बैक कैमरा का। अच्छा, ये रहा, ये रहा। यहाँ पे इसमें बैक कैमरा भी है जी। और ये ऐसा ऑप्शनल है, ऐसा ऑप्शनल टू मॉडल होगा। या वो शार्फिन एंटीना मिलता है, शार्फिन एंटीना। तो अगर आप जैसे लो का गाड़ी तो आप यहाँ से बटन डाल यहीं से खुलेगी, यानी आपकी जेब में आपकी चाबी है। समझ गया, आप बैठोगे? कोई नहीं, आप बैठो भैया, आप बताओ ना।
इसमें की बात करूँ जो आपकी ऑल पावर विंडो है, ऑल पावर विंडो अगर आप यूज करेंगे तो आप ही होगा ये। और अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टर, ठीक है। ये लोग लोगों जैसे पीछे वाले जो मिरर होते हैं, चार लोग बच्चे खेलते रहते हैं, छेड़खानी करते रहते हैं, तो इसके लिए आपका जो मिरर है ये फोल्डेबल रहेंगे आपके। ये भी इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, अगर चाबी से करोगे तो आपकी चाबी से भी होंगे, ठीक है। फ्रंट की बात करूँ तो मैं इसमें आपका सीट एडजस्टर मिलेगी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक से है नहीं, ये मैनुअल है, ये मैनुअल है जी, जैसे आपकी सीट हाइट का मैं और ये पुश बटन स्टार्ट आएगी गाड़ी सर, ठीक है। डिजिटल आपका मीटर आ गया, डिजिटल मीटर एक बार दिखाते हैं जी। और इसमें स्टेरिंग जो है वो टेलीस्कोपिक और टिल्ट है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक देखो दोनों ही है जी। इसमें एक ये बहुत अच्छा फीचर है कि एक मिनट करना भी है बाहर की साइड, तो इसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छा फीचर है कि अंदर का हमें कुछ भी नहीं दिखता। इन्होंने एक कपड़ा लेदर टाइप चीज़ है ना, हाँ, लेदर फिनिश में कुछ लगाया हुआ है जिससे कि बहुत सही फिनिश आ रही है। ऐसा हर कार में देना चाहिए वैसे इनको, हमारी तो हुंडई की सभी गाड़ियों में आता है ऐसा फीचर, ठीक है भैया। और आपका डिजिटल मीटर हो गया, पुश बटन स्टार्ट आएगी गाड़ी आपकी, ठीक है भैया, ठीक है। ये मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये किस चीज़ का बटन है व्यू? ये आपका DRVM है, जैसे आप चलती गाड़ी में पीछे का व्यू यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अच्छा अच्छा, हाँ जी, एक मिनट। कितने इंचज की है स्क्रीन? ये आपकी 10.25 इंचज की, बहुत अच्छी स्क्रीन दी हुई है इन्होंने। और बाकी तब तक आप ये बता दो कि ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट रहेंगे क्या? हाँ, ये नहीं, मैनुअली रहेंगे सर, ये मैनुअली हैं जी, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक एसी आएगा आपका, ऑटोमेटिक एसी है, एयर प्यूरीफायर आता है इसमें एक आपका, जैसे आपकी कैबिन की एयर को आपको एक करता है जो उसको बोलते हैं। आज के टाइम में भी एक क्वेश्चन बहुत मेन है कि कार में एयर बैग्स कितने आ रहे हैं, सेफ्टी रेटिंग्स क्या है? तो 6 एयर बैग आ रहे हैं सर, ठीक है, 6 एयर बैग। सेफ्टी फीचर है इसमें, हाँ, कहाँ कहाँ है इसके एयर बैग? फ्रंट तो ये हो गया सर, फ्रंट एक ही हो गया और चार खिड़कियों में, ठीक है, मतलब सेफ तो बहुत है। एसी वेंट आता है पीछे, देखिए पीछे, मैं बैक में एक बार बैठ के साथ में आपका ये थोड़ा, आपको पहले स्पेस चेक करवा देना भैया। आपकी कितनी हाइट होगी जी? हाइट कितनी होगी आपकी? 5.8 ना, तो आप खुद देख सकते हो भैया ने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर रखा है सीट को बिल्कुल जी। अब भैया एक बार पीछे बैठना, पीछे बैठो। तो अब आप भैया की भी 5'7" हाइट है और हेडरूम देखो कितना बच रहा है, मतलब अराउंड एक हाथ मतलब मेरा पूरा, तो बहुत अच्छा हेडरूम दे रखा है इन्होंने। और सीट भी पूरा, भैया कंफर्टेबल हो? बढ़िया, दिला दे मेरे को। कोई नहीं, तो और यहाँ पे एसी वेंट्स मिलते हैं हमें, चार्जर पॉइंट भी मिलता है, हाँ, नीचे हमें चार्जर पॉइंट भी है, और यहाँ पे मोबाइल होल्डर भी है, जैसे आप देख सकते हो कि मोबाइल होल्डर का भी ऑप्शन है। बाकी पीछे हमें यहाँ पे बहुत अच्छा बोतल होल्डर भी मिल जाता है। बाकी और फीचर्स बता दो भैया, साइड आओ ना एक बार। हाँ, मैं उस साइड आ गया, तो को पैसेंजर साइड से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ व्यू कार का। तो पहले तो स्पीकर आएंगे सर, हाँ, यहाँ पे बोस के स्पीकर हैं। म्यूजिक सिस्टम किसका है? बोस का ही है सर, बोस का ही है ना जी, ठीक है। हाँ, इसकी बात करूँ तो इसमें आपका कूल ग्लो बॉक्स मिलता है सर इसके अंदर। अच्छा, पानी की बोतल है, चॉकलेट वगैरह रखते हैं, हाँ, तो वो कूल रहेंगे। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सनरूफ आएगा सर, सनरूफ भी आपको एक बार दिखा देते हैं। बहुत स्पेस है मतलब सनरूफ में भी, साथ में आपका ये आपका जैसे कि हम सनग्लास होल्डर हो गया, और एक इसमें हमारी ऐप भी आती है हुंडई की, इसको बोलते हैं सर हम ब्लू लिंक ऐप। हाँ, उसमें ये रहता है कि आप जब आप गाड़ी परचेज करते हो तो आप जैसे कि आपकी बिलिंग वगैरह हो जाएगी तो एक ऐप इंस्टॉल करेंगे आपके फ़ोन में, तो उसमें कुछ फीचर होते हैं, लगभग 44 ही हैं उसमें। एक तो मेन बता देता हूँ आपको, जैसे कि आप कहीं पे बैठे हो, ऑफिस में हो, आप थोड़ी देर में निकलने वाले हो, गर्मी के दिन है, तो आप गाड़ी को ना फ़ोन से आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, फोन अनलॉक, हाँ,
ठीक है, यहाँ की मेरी गाड़ी अभी एसी चल रही है या जो भी है, और आपकी गाड़ी आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कोई दोस्त वो आपको गाड़ी मांग के ले गया, अपने एक एरिया सेट कर रहा है कर रखा कि मोटा मोटा आप लगा लो कि कैथल से मेरी गाड़ी बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर चल जाते तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन काफ़ी कुछ फीचर हैं। ठीक है ठीक है, तो और कोई है फीचर रह गया जो अंदर आओगे कि इसमें वायरलेस चार्जर आता है सर, आप खिड़की बंद करना तभी हो पाएगा, वो करना भी है बंद। हाँ दो आपका वायरलेस चार्जर आएगा फ़ोन। अच्छा हो गया, अब ये देखो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी हमें ऑप्शन मिलता है ये आपका, और आगे हमें 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है, यूएसबी का हो गया और ये फ़ोन चार्जिंग के लिए हो गया जी। और ये क्या गया, ये आपका रियर में हो गया जैसे डिफॉगर बता रहा था मैं, ये आपका फ्रंट में हो गया जैसे धुंध वगैरह होती है ना, धुंध वगैरह के लिए। हाँ ये आपका ऑफ का हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया, आपका टेम्परेचर हाई है कूल का हो गया, और इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, मतलब रेन सेंसिंग जैसे बारिश ऑटोमेटिक गिरेगी तो ऑटोमेटिक है ना वो, तो ठीक है। और इसमें हमें डिस्प्ले में आप थोड़ा समझा दो क्या क्या आता है इसमें, इसमें आपका नेविगेशन मिल जाता है सर, आपका म्यूजिक वगैरह हो गया, ये मैप हो गया, नेविगेशन, ये फ़ोन का आपके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ हो गया जो, ठीक है, आपका ब्लू लिंक ऐप होगा तब इंस्टॉल होगा तब चलेगा ये, ठीक है। आपका रेडियो हो गया, ये बैक कैमरा की बात करूँ तो मैं ये आपके बैक कैमरा जैसे आप स्टेयरिंग को मूव करेगा तो ये चीज़ भी मूव करेगी, वो तो समझ गया। और कोई फीचर रह गया, वो बेसिक तो सर यही है। अब वारंटी की बात करूँ तो इसमें सर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आ रही है, ठीक है भैया। हाँ जी, और वंडर वारंटी आती है, इसमें चूज़ कर सकते हो कि 4 साल 50,000 की है और 5 साल 40,000। चलिए इसको हम बाहर बैठ के अच्छे से डिस्कस करते हैं इसके वेरियंट के हिसाब से। और इसमें एस्ट्रा वेरियंट में हमें इंजन ऑप्शन कौन सा मिलता है, पेट्रोल की बात करूँ तो इसमें सर 1.2 लीटर आता है, 2 लीटर आता है, कापा इंजन जो कापा इंजन, और 1.5 लीटर 1 डीजल में आता है, ठीक है ठीक है। और इसमें 1.0 भी आता है टर्बो इंजन, टर्बो इंजन। हाँ चलो इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा वेरिएंट का बताना, आ जाओ आ जाओ। तो ये पेट्रोल के हो गया आपके सर, ठीक है भैया। ये आपका ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, ये आपका टर्बो इंजन आ जाता है 1.0 लीटर, ठीक है, ये डीसी रास्ता हो गया, ये आपका डीजल इंजन है 1.5 डीजल, ठीक है। तो इसमें प्राइसिंग यही है पूरी, हाँ जी, ये आपका एक्सोरूम रहेगा 6,79,900 का, ये एक्सोरूम या फिर आपका इंश्योरेंस या फिर आरसिंग इसमें इंक्लूड नहीं है इसमें ना प्राइस लिस्ट में, ये प्रॉपर मतलब आपको प्राइस लिस्ट है, जिस किसी को भी बेसिक जो भी है हमारा ये रहेगा, तो जिस किसी को भी अगर देखना हो इसका प्राइस का तो ये प्रॉपर इनकी प्राइस लिस्ट है, इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। तो अब बस यही बताओ भैया कि मतलब जो पुरानी i20 थी और इस i20 में एवरेज का कुछ एवरेज इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, और सेफ्टी उससे बेटर है पहले वाले से कि दोनों सेम है हमारा, सेम ही है। चलो, और मतलब इसमें मैक्सिमम हमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं, और सबसे मतलब जो बेस मॉडल है उसमें कितने एयरबैग्स मिलते हैं, वो 2 एयरबैग्स, उसमें 2 एयरबैग्स हैं, ठीक है। तो हमें सबसे कम रेट प्राइस लिस्ट है इसकी 6,79,000 स्टार्टिंग होती है, ये स्टार्टिंग है और एंड टू एंड ये जाती है ये। तो ये आरसी वगैरह सब कुछ मिला गया, हाँ इसमें सर आरसी इंक्लूड है, वो आपका जो एक्सो रूम है उसका 8% लगता है ना वो, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो थैंक यू भैया, थैंक यू। तो चलते हैं, निकालते हैं वो ये गाड़ी बाहर। तो भाइयों मैं i20 की ये वीडियो एडिट कर रहा था, और मैंने आज ये जो वीडियो शूट की थी ये LR ऑटोमोबाइल्स कैथल में है, उनसे ही मतलब परमिशन लेके उनकी एक कार की मैंने ये पूरी स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई है। तो किसी को भी अगर कैथल में कार लेनी हो हुंडई की तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, और बस यही है कि मेरे को तो बहुत सही लगी है। बाकी आप सब भी एक बार जाके इनके शोरूम में विज़िट करना और ज़रूर देखना इस i20 को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वो ऐसा कुछ था ओवरव्यू इस कार का। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी अगर आपको किसी कार के ऊपर रिव्यू चाहिए हो तो ज़रूर हमें कमेंट करना, और मैं जितना हो सकेगा उस कार के बारे में डिटेल आपको ज़रूर दूंगा ही दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे महिंद्रा थार के बारे में। और